नमस्कार दोस्तों, प्लम्बर माइंड में आप सभी का स्वागत है। ये ओपन वेल का सेकंड पार्ट है। इसमें हम आपको ओपन वेल को जोड़ना सिखाएंगे कि कैसे उसको पाइप के साथ में जोड़ते हैं और कैसे इनके अंदर हम पानी डालते हैं, कितना पानी डालते हैं। तो जिन लोगों ने प्लम्बर माइंड को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि हमारे द्वारा जो भी वीडियो डाली जाए उसकी नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिले। और एक हमारा चैनल और है इलेक्ट्रिकल माइंड के नाम से, उस पर भी आप विजिट करेंगे तो इस ओपन वेल को हम स्टार्टर के साथ में कैसे जोड़ते हैं उसमें बताएंगे। तो अभी हम बात करते हैं इस ओपन वेल के अंदर हम इन दोनों तरफ में पानी जो डालना है वो कितना डालें और कौन सा पानी डालें। तो मेरे पास अभी ये एक 1.25 लीटर 1.5 लीटर का एक बोतल है जिसके अंदर मैंने फ़िल्टर पानी लिया है, जो आरओ से हम फिल्टर करके लाते हैं। वो पानी डालना इसलिए ज़रूरी है, अगर नॉर्मल पानी आप डालते हो तो इसके अंदर फ्लोराइड इकट्ठा हो जाएगा और ये इसको ख़राब भी कर सकता है, तो इसलिए हमने इसमें फ़िल्टर पानी का यूज़ करेंगे। ये हमने यहाँ से ये जो इसका आई नॉक था इसका हमने खोल लिया। अब इस पॉइंट के अंदर हम, आप देख पा रहे होंगे, इस पॉइंट के अंदर हम पानी डालेंगे। वैसे तो इसके अंदर हल्का सा पानी डला हुआ रहता है लेकिन हम इसमें डाल करके पूरा भर जाएगा। ये देखिए, ये जैसे ही फुल भरेगा इसको हम बंद कर देंगे। इसके अंदर थोड़ी एयर भी रहती है ताकि ये खाली रहता है। जैसे जैसे पानी डलता है इसकी एयर हर बाहर निकलती रहती है। ये आप देख पा रहे होंगे ये पानी एकदम से इसके अंदर फुल भर गया है। अब इस नट को, आई लॉक को इसके ऊपर हम टाइट कर देंगे। तो ये बहुत से लोग हैं जो ओपन वेल के अंदर जब भी ये ऐसा काम करते हैं तो वो ध्यान नहीं देते और ओपन वेल जलने का खतरा बना रहता है। तो इसको टाइट करने के साथ साथ एक चीज़ का ध्यान रखें, अगर ये फुल टाइट करें तो भी कोई इश्यू नहीं है, अगर ये आप हाफ़ टाइट करें तो भी कोई इश्यू नहीं है, लेकिन इतना टाइट ज़रूर करें कि ये निकले नहीं, क्योंकि इसके साथ में एक रस्सी या फिर आप वायर जो है बांध के रखते हैं ताकि ओपन वेल को आप आसानी से ऊपर लिफ्ट करवा सकें। तो ये हमने इसको यहाँ पे टाइट कर दिया है पानी भर करके। अब हम ऐसी ही प्रक्रिया यानी कि ऐसा ही काम हम इस बोल्ट के साथ में भी करेंगे। यहाँ पे फिर से असेंबल दिखाया हुआ है कि यहाँ से पानी भरें। तो चलिए हम इसको भी खोल देते हैं। ये साइज़ का जो नट है वो थोड़ा बड़ा भी आ सकता है, 14-15 की चाबी इसमें आप लगा सकते हैं। इसको खोलने के बाद सेम ही पोजीशन पे यानी कि जिस तरह से आपने उसमें पानी डाला था सेम प्रक्रिया आपको यहाँ पे भी करनी है ताकि आसानी से आपका जो ओपन वेल है वो आपके यूज़ में आ सके। ये हमने खोल दिया है। ये क्या करता है दोस्तों, मेन तो इसका काम होता है जो इसके अंदर बेयरिंग होते हैं, ये देखिए एकदम खाली पड़ा है। इसके अंदर जो बेयरिंग होते हैं बेयरिंग को ठंडा रखता है ताकि ज़्यादा जल्दी हीट में ना आए और काफ़ी टाइम तक ये आपका सहयोग कर सके। इसके अंदर हमने फिर से पानी डालने का काम शुरू कर दिया, यानी कि जैसे ही इसको हम पानी से भरेंगे इसके बेयरिंग के साथ में इसकी प्रोटेक्शन जो है बन जाएगी। वीडियो लंबी हो सकती है उसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा, लेकिन सीखने के लिए थोड़ा सा वक्त आपको देना ही पड़ेगा। जब भी आप न्यू ओपन वेल लगाएं तो आप आसानी से घर पर भी लगा सकते हैं। और जो मेरे नए प्लम्बर भाई हैं जिन्होंने ओपन वेल का काम कभी किया नहीं है तो उनके लिए भी ये वीडियो बहुत ही लाभप्रद होगा। ये देखिए ये फुल भर गया है। अब इस नट को हम यहाँ पे वापस से टाइट कर देंगे। एक्चुअल में यहाँ पे भी हमें एक आई नट जो था लगाना पड़ रहा था लेकिन इसके साथ वो आया नहीं है, इसलिए हम इस पर जो लगा हुआ था वही हम लगा रहे हैं। इसको जैसे करेंगे उसके बाद हम इसको फुल टाइट कर देंगे। ये ऐसा नहीं है जैसे मोनोब्लॉक के अंदर हम पानी डालते थे मोटर को पानी उठाने के लिए, वो सिस्टम नहीं है। ये सिर्फ़ और सिर्फ इसके बेयरिंग को और इसको प्रोटेक्शन देता है, यानी आगे के और पीछे के जो दो बेयरिंग है इसके अंदर लगा हुआ है, एक इसके अंदर, उसको प्रोटेक्शन देता है और इसकी फील्ड कॉइल जो है उसको भी प्रोटेक्शन देता है। तो चलिए हम आगे बात करते हैं इसके एमटी जोड़ने के लिए। एमटी जोड़ने से पहले हम इसको फ्लेंज को खोल लेंगे। खोलने के बाद में इसके अंदर जो गैस्केट लगा हुआ है उस गैस्केट का जो हम सुराख हैं वो ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद में हम इसके साथ में एफटी लगाएंगे ताकि जैसे ही ये लगे अच्छी तरीके से और सही पोजीशन पे काम करे। ये हमने फ्लेंज खोल ली है। फ्लेंज के अंदर जो ये गैस्केट आया था इसका ये अंदर वाला सिरा हम काट लेंगे। ये हमने इसका गैस्केट का अंदर वाला सिरा काट लिया है। काट करके हमने इसको अलग कर दिया है। आपको भी ऐसे ही करना है।
फिर वापस आपको एक फ्लेंज हटा करके गैसकेट यहाँ पे लगाना है। गैसकेट लगाने के बाद में वापस फ्लेंज जो है अच्छे से साफ करके इसके ऊपर रख के टाइट कर देना है, जिससे आपका एक काम इजी हो जाएगा कि आपके जो ये ओपन ब्लॉक है, ओपन वेल जो है, ये सही तरीके से काम करे। अच्छा, आपने देखा होगा मोनो ब्लॉक अंदर एक छोटा सा फुटवॉल टाइप का आता है जो NRV होता है, वो इसके साथ में नहीं आता, क्योंकि NRV उसके साथ इसलिए लगाया जाता है कि सेक्शन लाइन के अंदर जो पानी है बचा हुआ है वो पानी वहाँ से ना निकले और आपका जो पंप है वो एयर ना ले। तो इसके लिए सेक्शन पाइप के अंदर और जो सेक्शन हेड होता है उसके अंदर एक छोटा NRV दिया होता है रबड़ के साथ में। इसमें वो चीज़ नहीं होती है, इसमें सिर्फ और सिर्फ एक स्टनर होता है ताकि वो पानी के अंदर जो भी कचरा है, जैसे मान लीजिए कोई छोटे कंकर पत्थर हैं या फिर गलती से किसी का कपड़ा अंदर गिर जाता है, तो इस चीज़ को वो इस हेड के अंदर जाने से बचाने के लिए स्टनर लगाते हैं। तो आज इस वीडियो के साथ साथ आप पूरी प्रक्रिया सीख पाएंगे, जान पाएंगे कि कैसे हम ओपन वेल को फिट करते हैं। तो ये हमने यहाँ पे इसको कर दिया, अब इसको हम टाइट कर देंगे इसकी की सहायता से। आपको भी ऐसे ही करना है, जितना हो सके उतना की सहायता से इसको टाइट करना है। ज़्यादा टाइट करेंगे तो फ्लेंज जो है ये ढालू होती है तो वो टूट भी सकती है, तो इसको उतना ही करें जितनी आवश्यकता आपको लग रही है, क्योंकि ज़्यादा टाइट करने से भी कोई इशू नहीं है और कम टाइट करने से भी इतना कोई प्रॉब्लम नहीं करेगा, बट ज़्यादा टाइट ना करें वरना फ्लेंज आपकी टूट जाएगी। एक शब्द में बार बार दोहरा देता हूँ, उसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा। अब ये यहाँ पे एक CPVC की एक MT है, मेल थ्रेड अडेप्टर, लेकिन यहाँ पे मैंने ब्रास नहीं लिया, इसको CPVC मटेरियल में लिया है। इसको हम टेफ्लॉन के सहायता से टेफ्लॉन लगा करके और फिर बाद में इसके अंदर अटैच कर देंगे। ये हमने इसमें अच्छे से टेफ्लॉन लगा लिया है, टेफ्लॉन भी हमने अच्छा लिया है, MSeal कंपनी का टेफ्लॉन लिया है, सुपर के नाम से है। ये अच्छा लगाएंगे तभी आपकी प्रोटेक्शन यहाँ पे कर पाएगा। अब इसको हम इस फ्लेंज के साथ में ऐड करवा देंगे ताकि यहाँ से निकलने वाला पानी जो है लीकेज ना हो और आपका जो ये पाइप है आसानी से अंदर सेट हो जाए। तो लगाने के बहुत से तरीके होते हैं, अलग अलग तरीके सब लोग बताते हैं, लेकिन अपने इस चैनल पे आपको जो मिलेगा एकदम सही मिलेगा। सो प्लीज़ चैनल को ऐसे ही विजिट करते रहें, आपका प्यार हमें ऐसे ही देते रहें। कोई भी आपको शिकायत हो ओपन वेल से रिगार्डिंग, आप प्लीज़ हमें कॉल करें 8769800 और 865 पे इलेक्ट्रिकल माइंड चैनल, जो हमारा दूसरा चैनल है, वहाँ पर जाकर आप इसकी जो इंस्टॉलेशन है वायरिंग की वो वीडियो देख सकते हैं। तो इस चैनल के साथ में आपको ये सब मिल रहा है और उस चैनल में आपको इलेक्ट्रिक संबंधित सारी चीज़ें मिलेगी। तो अभी हमने ये इसको कर दिया, लेकिन इसको हम टाइट करेंगे। टाइट करने के लिए आपके पास पाइप रिंच होना ज़रूरी है, क्योंकि हर एक टूल्स की एक अहमियत होती है और हर एक टूल अपनी जगह पे ही काम करता है। टूल्स के बारे में भी काफ़ी व्यूअर्स हैं हमारे जिन्होंने बोला है कि सर वीडियो बनाएं, तो सर मैं ज़रूर वीडियो बनाऊँगा, लेकिन सभी टूल्स के साथ में बनाने की मैं सोच रहा हूँ। तो ये हमने इसको टाइट कर दिया, ज़्यादा टाइट करने की कोई ज़रूरी नहीं है, जितना टाइट हो सके बस उतना ही टाइट करें। अब इसके बाद में हम बात करते हैं सक्शन एरिया की। सक्शन एरिया के अंदर ये एक स्टेनर है जो जाली है और एक स्टेनर के साथ में एक बैंड है, तो हम जाली को सीधा भी लगा सकते हैं। सीधा लगाने के लिए हमें 1 इंची का जो थ्रेड वाला सॉकेट है वो चाहिए। ये ऐसे भी लग सकता है जिस पोजीशन में पड़ा है, और आप चाहें तो इसको बैंड के साथ में भी लगा सकते हैं। एक चीज़ इसमें ध्यान करने वाली बात यह है कि कभी भी आप ये स्टनर लगाओ तो एक चीज़ का ध्यान रखें, इसको नीचे नहीं लगाना, ठीक है, ज़मीन में नहीं लगाना, क्योंकि ये यहाँ से इसके सक्शन के पॉइंट से लेके और जो आपके टंकी का ज़मीन है उसकी हाइट थोड़ी कम रहती है, तो ये जब मोटर आप नीचे डालोगे तो ये सबसे पहले स्टनर इसका ज़मीन में टकरा जाएगा। तो आप इसे या तो इस पोजीशन पे लगाएं या फिर इस पोजीशन पे लगाएं, और अगर आप चाहें तो इस पोजीशन पे लगाएं, लेकिन मैं जो आपको सजेस्ट करूँगा, मैं ये करूँगा इस पोजीशन पे आप ज़रूर लगाएं, क्योंकि इस लेवल तक जैसे पानी आएगा, इससे ऊपर रहेगा जब तक तो कोई इशू नहीं है, पानी उठाती रहेगी मोटर, लेकिन जैसे ही इस लेवल पे आएगा तो ये पानी उठाना बंद कर देगी और जलेगी नहीं। अगर चलती रही तो जलेगी नहीं, क्योंकि जिस इस लेवल पे अगर आपका पानी है तो ये मोटर इतना इतना पानी के अंदर डूबा हुआ रहेगा, जिस कारण से ये हीट नहीं होगा और मोटर आपका सही रहेगा। लेकिन जैसे आप इधर कर देते हैं या फिर इधर कर देते हो तो हाफ पोजिशन पर इसका पानी रहेगा, तो हो सकता है आपका मोटर पम्प जो है हीट होकर ख़राब हो जाए। लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि इसको ऊपर की साइड में आप लगाएं। तो चलिए हम इसको भी टेफ्लॉन लगा करके टाइट कर देते हैं। अगर यहाँ पे टेफ्लॉन ना भी लगाएं तो भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे पानी के अंदर ये डूबा रहेगा सक्शन एरिया, तो ये पानी के आसानी से खींच सकता है। लेकिन मैं यहाँ पर लगाने के जवाब इसलिए दूंगा ताकि ये अपनी जगह से इधर उधर ना हिले। तो चलिए हम इसको भी फिक्स कर देते हैं।
ये हमने इसके ऊपर टेफ्लॉन लगा लिया है, अब हम इसको इसके साथ में ऐड करवा देंगे। अब जैसे ही देख लीजिए मैंने इसको जोड़ा, यहाँ पे टच हो गया। अगर स्टनर होती तो और ज़्यादा होता, तो इसको हम थोड़ा सा तिरछा करेंगे पंप को, ताकि ये आसानी से इसके अंदर ऐड हो सके। ये आप देख पा रहे होंगे इसके अंदर एक नट है जो एम्पेलर का है, ये वाला एम्पेलर है ये, जो घूमेगा और पानी को सक करेगा। तो हमने ये यहाँ पे लगा दिया। अब इसके साथ में हम ये जो बैंड आया था उसको हम ऐड करवाएंगे। ये थोड़ा मुश्किल चढ़ सकता है, क्योंकि कई बार क्या होता है कि प्लास्टिक है इसलिए थ्रेड इसके ख़राब भी हो सकते हैं। तो इसको हमने लगा दिया और इसको हम पूरा टाइट करके इसका जो मुँह है वो हम, अब ये लास्ट है तो इसका मुँह हमने ऊपर रख दिया। ऊपर रखने से हमें एक चीज़ का ये फ़ायदा हो गया कि स्टनर इसके साथ में हम लगा देते हैं, इसमें टेफ्लॉन लगाने की ज़रूरत नहीं है, ये आप ऐसे ही लगा सकते हैं। अब ये देखेंगे तो आप इस लेवल तक पानी आएगा तो मोटर पानी उठाना बंद कर देगी, लेकिन इस लेवल पे पानी जो रहेगा तो मोटर को प्रोटेक्शन मिलती रहेगी, मोटर जल्दी ख़राब नहीं होगी। तो ये हमने सारी इसके अंदर प्रक्रिया कर दी है। अब इसके साथ में हमें एक चीज़ और करनी पड़ेगी, इसको लिफ्ट कराने के लिए, यानी इसको उठाने के लिए यहाँ पे एक GI का वायर या फिर रस्सी बांधनी पड़ेगी, लेकिन मेरे पास रस्सी भी नहीं है, GI का वायर भी नहीं है, तो इसलिए मैं यहाँ पे कॉपर की वायर बांध दूँगा 4 mm की। ओके, ये मेरे पास एक 4 square mm की एक वायर है, तो इसके साथ में इसको लिफ्ट करवाएंगे। और यहाँ पे करने लिफ्ट करवाने से पहले ये जो इसका पॉइंट दिख रहा है, वैसे तो ये वाटर सील से एकदम कनेक्ट होके आता है, लेकिन यहाँ पे हम थोड़ी सी अपनी सेफ्टी के लिए यहाँ पे चाहें तो कोई सॉल्वेंट अगर आपके पास है तो वो आप लगा सकते हैं। ठीक है, तो हम इसमें सॉल्वेंट लगाएंगे। तो ये हमने येलो CPVC का सॉल्वेंट जो है इस पर लगा दिया है, ताकि इस वायर के जगह ना बने और पानी इसके फील्ड के यानी इसके कॉइल के अंदर ना चला जाए, और इसकी जो बॉडी के अंदर जितने भी वायर हैं वो शॉर्ट ना हो जाए, तो इसके लिए हमने यहाँ पे लगा दिया। अब GI वायर जो अपने पास कॉपर का 4 mm का एक वायर है उसको हम यहाँ पे बांधेंगे और इस मोटर को लिफ्ट करवाएंगे। अभी आप देख रहे होंगे मैंने यहाँ पे इसके साथ में जो एक केबल थी उसको मैंने बांध के, एक मैंने इसके पीछे से वायर इसलिए लिया है कि इसका वेट जो था, अगर हम यहाँ बांधते तो इसका वेट पीछे की तरफ ज़्यादा रहता, इसलिए हमने इसका सेंटर किया है। तो एक तरफ तो हमने आई नट के साथ में इसको जोड़ लिया, दूसरी तरफ हमने इसके बॉडी के पीछे से एक्स्ट्रा वायर डाल करके इसको सेंटर में लिफ्ट करवा लिया। अब ये रस्सी जो है, इसका जो वायर है, ये हम टंकी के अंदर डाल देंगे और इस वायर को हम कहीं ना कहीं पे बांध देंगे, ताकि जब भी अपनी मोटर अगर ख़राब होती है तो उस दौरान इसको निकालने के लिए हम इसको खींच के निकाल सकते हैं। तो ये पाइप भी इसके अंदर जाएगा, तो देखते हैं चलिए कैसे करते हैं। ये मोटर जो कुछ अपना इस तरह से दिख रहा है अभी, और इसकी लेंथ जो है पाइप की 10 फीट के करीब है, और ये इस वाटर टैंक के अंदर हम डालेंगे। वाटर टैंक के अंदर डालने के बाद हम यहाँ से यूनियन के साथ में उसको कनेक्ट कर देंगे, और इस पाइप में से इसका इलेक्ट्रिक का जो पॉइंट है वो हम बाहर निकाल लेंगे, यहाँ पे यूनियन से कनेक्ट कर देंगे, मोटर अपना जो है टंकी के अंदर रहेगा। ठीक है, अब इसके साथ साथ हमें एक चीज़ करना पड़ेगा कि यहाँ से हम वायर निकालेंगे और इस वायर को कैसे एक पैनल में जोड़ेंगे, तो उसके लिए आप वीडियो देखेंगे इलेक्ट्रिकल माइंड चैनल पे। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।